जी आगे की जो रणनीति है हम लोगों की, अगर ये महंगाई कम नहीं हुई तो हम सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि महिलाओं की पीड़ा को तो कोई अब समझ नहीं सकता, ये जो नारे हैं बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए जो स्लोगन दे रहे हैं ये बीजेपी पार्टी, ये सब नकली है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और ये बाल विकास महिला मंत्री जो हैं, जब महंगाई हुई थी, जब गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, तब ये सड़क पे उतरी थी चूड़ी लेकर के, मनमोहन सिंह को चूड़ी दिखा रही थी। आज वो कहाँ हैं, गायब हैं। जब सिलेंडर 1000 रुपए हो गया है, तेल सारी जितनी भी राशन पानी जितने महंगे हो गए, तो आज वो हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहाँ चुप गई हैं। वो सिर्फ अपनी गद्दी बचा रही हैं, कुर्सी बचा रही हैं, सिर्फ एक महिला। अब वो सिर्फ अपनी बेटी बचाया उन्होंने देश की बेटियों को नहीं बचाया, उन्होंने सिर्फ अपनी जो बेटी थी उनके खिलाफ आई थी, उनके खिलाफ जो वो गोवा में उनका रेस्टोरेंट का किसी मित्र व्यक्ति के ऊपर जो लाइसेंस मिला था तो उसके खिलाफ बोला था उन्होंने, किसी बेटी के खिलाफ। महिला यहाँ पे महिलाओं का अपराध जो बढ़ा, जो जितने आपराधिक मामले हुए, जितने बलात्कारी बीजेपी नेता थे उनके लिए, उनके जो बेटियां जो रो रही थी सड़क पर, उनके लिए नहीं खड़ी हुई, किसी बेटी के लिए, किसी पत्नी के लिए, किसी के लिए नहीं खड़ी हुई वो। सबीहा शहर अध्यक्ष जी, देखिए इस टाइम जैसे कि हमारी अध्यक्षा ने बताया कि आज हम सभी महिलाएं जो है महंगाई पे वार्ता करेंगे, और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाती जा रही है, जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिनके पास पैसा है उनको तो कोई नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इस महंगाई में अपना परिवार कैसे चलाएंगे। आज भी कई ऐसे परिवार हैं, मैं खुद उनको सामने से महसूस करती हूँ, देखती हूँ कि महीनों महीनों दिन हो जाता है उनका गैस नहीं भराया जाता है, महीनों दिन हो जाता है उनके घर दाल नहीं बन पाती है, सब्जियां नहीं ले पाते हैं लोग। आखिर तो आप सोच सकते हैं, सरकार को ये सोचना चाहिए कि सामान्य परिवार जो है अपना परिवार कैसे चलाएगा। नौकरी है नहीं, रोजगार आप नहीं रहे हैं, महंगाई आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो आखिर सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। जो बुनियादी जरूरतें हैं कम से कम उस पर इनको कंट्रोल करना चाहिए। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो भी देश में प्रदर्शन आज हो रहे हैं, जो भी सवाल से सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, और अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है तो हम सभी महिलाएं प्रदर्शन करेंगी सरकार के खिलाफ। बात कर रही है महंगाई का मुद्दा ही और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर बीजेपी सत्ता में आई है, जिसके बाद इस तरह से आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं, तो महंगाई जो है बहुत हद तक बढ़ गई है, इसके लिए अब तक आप लोगों ने क्या कदम उठाया या क्या कार्रवाई की? देखिए समय समय पर हम लोगों ने हमेशा इसको लेके कदम बढ़ाया है, प्रदर्शन किया है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोगों को न्यूज़ चैनल्स पे ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है, जबकि गोरखपुर में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किए हैं, चाहे गन्ना मूल्य वृद्धि को लेके हुआ हो, चाहे किसानों के लिए हुआ हो, या फिर महंगाई पे हो, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हम लोगों ने किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। सरकार महिलाओं की तरफ आज ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन आप महिलाएं होकर आज जो ये मुद्दा है आपका, इसमें आप क्या सशक्त भूमिका निभाने जा रही हैं? देखिए सरकार तो हमेशा महिलाओं के बारे में बात करती है, लेकिन आज तक महिलाओं के लिए क्या कदम उठाई है सरकार, हमें तो नहीं लगता। बीजेपी के नेताओं को सिर्फ देख लीजिए, आज जितने भी बलात्कारी हैं या फिर जो भी महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के नेता इसमें लिप्त हैं, कहीं आपको पता चलता है, कहीं दिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है ढकने का काम बीजेपी करती है। किचन में बहुत सारे जो बता रहे महंगाई मुद्दे को लेकर, इस पे आप आगे भविष्य में क्या सशक्त भूमिका करेंगे? देखिए अगर सरकार महंगाई को कंट्रोल में नहीं कर सकती है तो हम सभी महिलाएँ जो हैं महिलाओं को जागरूक करेंगी और एक बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगी भविष्य में। सोनिया शुक्ला, महिला जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। देखिए हमें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से ये निर्देशित किया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्देशित किया गया है कि आज जो है गृहणियों के लिए महंगाई का एक मुद्दा है,
और आज हम महंगाई के मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जिस तरह की महंगाई आप देख रहे हैं, जिस तरह के इस शासन में आप महंगाई को देख रहे हैं कि गृहणियों का जीना मुश्किल हो गया है, आप आलू से लेकर करके गैस के सिलेंडर तक के दाम की अगर बात करें तो वो बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसका कम होने का काम हो ही नहीं रहा। तो आज कहीं ना कहीं हम सब विपक्ष में बैठे हुए हैं और आज बढ़ती महंगाई के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बाकी आगे की चीज़ें हमारी जिला अध्यक्ष सोनिया जी हैं वो बात करेंगे और शहर अध्यक्ष सभिया जी हैं वो बात करेंगे। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर मुद्दे पर प्रदर्शन करती है, सड़क से लेकर सदन तक आपके सामने आती रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आते हुए तो ये करते हैं कि कांग्रेस के सारे अकाउंट सीज कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं, आज बात करेंगे सिर्फ महंगाई के ऊपर हम लोग।